हमारे साथ एक भाई साहब हैं, आपका नाम बताएं पहले। मेरा नाम अलमदार अब्बास है, मैं राष्ट्रीय अलमदार जी एक बात बताएं, आप यहाँ पे मैं देख रहा था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की भी बहुत सारी बातें हो रही थी, तो क्या है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर चल रहे हैं, पार्टी की जनता आवाज़ है, क्या है ये सब? देखिए बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का नाम तो लोग सभी लेते हैं जी, सारी पार्टियाँ लेती हैं जी, संविधान में भी उनको प्रमुखता दी है जी, ड्राफ्टिंग कमेटी के वो चेयरमैन भी थे जी। लेकिन कहने जो बाबा भीमराव अम्बेडकर के बारे में जो सोचा जाता है वो कहा नहीं जाता है जी, जो कहा जाता है वो करा नहीं जाता है जी। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जब इस संविधान की रचना करी थी जी, तो मैं आपको बता दूं कि संविधान की सभा के सदस्य थे, उनका नाम था डॉक्टर के मुंशी। देख रहा हूं आप संविधान को लेकर भी हाथ में घूम रहे हैं, इस देश के अंदर को संविधान पार्लियामेंट के नज़दीक में जला दिया जाता है और कोई भी नेता उसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाता है, उस विषय में क्या बोलेंगे आप? देखिए संविधान की जो रक्षा जो है करना देश के हर नागरिक का कर्तव्य है जी, और कोई भी देश में नागरिक चाहे वो राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, वो इस संविधान से बड़ा नहीं है जी। और सबसे बात यह कि बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के विचारों को बहुत से मैं इतिहास को अगर मैं सोचूं तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बाबा भीमराव अम्बेडकर जी नंबर एक प्लानिंग चाहते थे, प्लानिंग मिनिस्टर बनना चाहते थे, जो जवाहरलाल नेहरू ने नहीं दी। बाबा भीमराव अम्बेडकर एक्सटर्नल अफेयर्स चाहते थे विदेश में, जो नहीं दिया गया उन्हें। और सबसे बड़ी बात यह है कि आरक्षण को समाप्त करने के लिए डॉक्टर के मुंशी संविधान सभा के सदस्य थे, वो डॉक्टर अम्बेडकर जी से मिले और बोले पटेल जी कह रहे हैं, पटेल जी यहीं रहते थे और बाबा भीमराव अम्बेडकर जी जो हमारा अंतर्राज्यीय बस अड्डा है उससे आगे रहते थे। सुरेंद्र सिंह जी ये बहस बन जाएगी, मेरी माफी चाहता हूं। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि हमें एक जो है एक नया विकल्प जो है भारत का बनाना चाहिए, ऐसा जिसमें अम्बेडकरवादी भारत का वो निर्माण हो जो ये संविधान कहता है, धारा 1 से लेके 395 तक जो संविधान सभा में बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा कि ये संविधान मैं कितना ही अच्छा बना लूं और कितना ही अच्छे मौलिक अधिकार हूँ, अगर इसको चलाने वाले लोग ठीक नहीं होंगे, इसकी कार्यप्रणाली ठीक नहीं होगी।